अयोध्या में आज शाम को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने सीएम योगी भी जाएंगे अयोध्या। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में एयर क्वालिटी बेहद खराब। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सेना के साथ सुरक्षा संबंधी लेन देन पर लगाया प्रतिबंध। कन्नौज में रिश्वत लेने के बाद इंस्पेक्टर का एक और कारनामा आया सामने, रिश्वत लेते हुए वायरल वीडियो के बाद इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम और गांव के प्रधान के साथ मिलकर पीड़ित की तलाश पर छापा मारा था। बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल का किया जिक्र, किताब में लिखा राहुल में अयोग्य और जुनून की कमी। आज जामनगर और जयपुर में दो आयुर्वेद संस्थान को पीएम मोदी, राष्ट्र को करेंगे समर्पित। तेजस्वी यादव ने कहा हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, फिर से गिने जाएं पोस्ट बैलेट। चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा सीएम पद पर मेरा दावा नहीं। भारत में कोरोना से 87,28,585 लोग संक्रमित और अब तक 1,28,709 लोगों की गई जान।